हाथरस की लाल पीली शिमला मिर्च खा रहे हैं दिल्ली आगरा के लोग, बिकती है 1 किलो 200 रुपए तक। समय के साथ अब किसान खेती की नई तकनीकी अपना रहे हैं, तभी तो हाथरस में चंदपा क्षेत्र गांव नगला मोती राय निवासी रिटायर्ड शिक्षक उनके शिक्षक बेटे ने पॉली हाउस में शिमला मिर्च की जैविक खेती की 5 साल पहले शुरुआत की थी, वैसे लगातार करते आ रहे हैं। वहीं कीट और रोग नियंत्रण के लिए भी जैविक तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, लोग परंपरागत खेती के चक्कर में नुकसान झेल रहे हैं। लेकिन चंदपा क्षेत्र के गांव मोतीराय निवासी श्याम सुंदर शर्मा ने आलू की खेती को छोड़ दिया है, अब वे पूरे तरीके से जैविक खेती में जुट गए हैं। तभी तो उन्होंने गेहूं और आलू की परंपरागत खेती को छोड़कर शिमला मिर्च की जैविक खेती की शुरुआत की, जिससे अब वे अच्छे मुनाफे की उम्मीद लगाए हुए हैं, जिसे पूरा करने के लिए शर्मा दिन रात पॉली हाउस में मेहनत कर रहे हैं। हाथरस के मोसान क्षेत्र की रंग बिरंगी लाल पीली और हरी मिर्च आगरा और दिल्ली के लोग खा रहे हैं। पूछे गए एक सवाल के जवाब में किसान ने बताया कि लोकल स्तर पर तो लाल और पीली शिमला मिर्च को खरीदने वाले नहीं है, इसकी सप्लाई आगरा दिल्ली के 5-स्टार होटल और रेस्टोरेंट में होती है, वहाँ पर भी इसकी उचित कीमत मिल पाती है। आमतौर पर शिमला मिर्च का भाव 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि रंग बिरंगी शिमला मिर्च का बाजार में 150 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है। इससे साल भर में करीब 12 से 14 लाख रुपए की आमदनी होगी। अमित शर्मा ने बताया कि जो आमदनी सामान्य तौर पर 50 बीघा खेत में परंपरागत खेती करके होती है, उतनी आमदनी पॉली हाउस में 10 बीघा शिमला मिर्च से ही प्राप्त हो जाती है। श्याम सुंदर शर्मा का बेटा अमित शर्मा बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक है, वह शिक्षण कार्य के साथ अपने पिता के साथ जैविक खेती में सहयोग कर रहे हैं। अमित ने बताया कि एक रिश्तेदार अफ्रीका में रहते थे, उनकी प्रेरणा का ही फल है कि हमने पॉली हाउस में जैविक खेती की शुरुआत की है। लाल पीली और हरे तीन रंगों की शिमला मिर्च इस पॉली हाउस में तैयार हो रही है, वह स्कूल जाने से पहले और स्कूल से लौटने के बाद अपना पूरा समय शिमला मिर्च की खेती की देखभाल में लगाते हैं। अमित शर्मा ने बताया कि उन्होंने 5 साल पहले जब शिमला मिर्च की खेती करने की शुरुआत की थी तो महाराष्ट्र के पूना शहर में रंगीन शिमला मिर्च का बीज मंगवाया था। इसकी पौध हरियाणा के घरौंदा में तैयार कराई गई। यह पौध तैयार करने का प्लांट इंडो इजराइल का है, जिसमें विदेशी तकनीकी का प्रयोग पौध तैयार करने में किया जाता है, लेकिन इस बार बीज भी हरियाणा के करनाल से लिया और पौध भी वहीं पर तैयार करवाई। अमित शर्मा बताते हैं कि उन्हें उद्यान विभाग से 10 बीघा खेत में पॉली हाउस लगाए जाने की मंजूरी मिली, जिस पर करीब 38 लाख रुपए खर्च हुए। कुल लागत का 50% अनुदान उद्यान विभाग ने उनके पिता श्याम सुंदर शर्मा को प्राप्त हुआ।